चलो ये कितना है, थर्ड है आई थिंक, क्या सेकंड पार्ट है पता नहीं, इसका अपलोड कर डालूंगा मैं उस हिसाब से। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमने कर लिया था उस दिन। ये एनाकोंडा है, ये क्या था, ये सपना रणदिवे कौन है, कांचन है क्या ये? ओके, फिर ये क्या था, लेपर्ड था इसका, फिर कैक्टस, रबर प्लांट था और मैंग्रोव्स था। ये क्या था, ये बर्ड का क्या था, बर्ड का ढूंढ रहे थे हम, बर्ड का मिला ही नहीं हमें। इतना पढ़ लिया था अभी, ये ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से चालू था। आई थिंक आई सपोज तुम्हें स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को। अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राजील देन एनी एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इन स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी बोले तो जो वो क्या बोलते हैं, गिल्ले वेट एरियाज रहते हैं, और जहाँ पे कि लैंड के सिर्फ स्वैम्प रहती ज्यादा, वहां पे रोड्स नेटवर्क वगैरह बिल्ड नहीं करने आते। मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियरली? एरियाज ऑफ द पंताल यस पंतनल्स, सर। यूज, ऐसी पकड़ा है ना मैंने माइक को, मुझे लगा उसके वजह से दब गया है। यूज एनाकोंडा आर फाउंड, एनाकोंडा पता है तुम्हें, अभी स्नेक है, एनाकोंडास को देख लेंगे हम, वो तो स्नेक रहते बहुत बड़े। ये एनाकोंडास, इसका फोटो मैं ग्रुप पे डाल लेने वाला अभी, नहीं तो सब सोए रहेंगे, डर जाएंगे बेचारे बच्चे। इन ब्राजील ये वाला नया है हमारे लिए, जूनिया पिक्स, जूनिया पिक्स, दिस इज द लेटेस्ट वन। ये डाल सकता हूँ मैं फोटो, ये है जूनिया पिक्स। क्रोकोडाइल्स, एलिजेटर, एलिजेटर भी क्रोकोडाइल के रहते हैं, जिनका लार्ज स्नाउट रहता, सामने का जो मुंह रहता वो लंबा रहता है ऐसे, बहुत उसको एलिजेटर बोलते हैं। मंकी, पुमास, लेपर्ड्स एक्सेट्रा आर फाउंड अमंग द फिश वेराइटीज, मेनली स्वॉर्ड फिश। अब स्वॉर्ड फिश देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये है स्वॉर्ड फिश, मरलाइन के टाइप है ना, हमने वो ओल्ड मैन एंड बुक सी बुक रिव्यू में देखा था, वो ऐसी टाइप की फिश थी। याद है ना कुछ आप हाँ लोगों ये सर। को? थोड़ा रिप्लाई देते जाओ उधर से, कैसे मुझे लगता है कि अकेला ही पड़े पड़े हुआ है मैं। आर फाउंड इन द सी वाइल्ड पिंक डॉल्फिन। अब पिंक डॉल्फिन पहली बार सुन रहा हूँ मैं नाम, डॉल्फिन तो ब्लू ही देखी है। आप लोगों ने कभी देखी है क्या पिंक डॉल्फिन? ये पिंक डॉल्फिन देखो, रहती है सही में पिंक डॉल्फिन, ऐसी नहीं छापे हुआ टेक्स्ट बुक में। पिंक डॉल्फिन एंड पिरानास, पिरानास तो पता है अभी तुम्हें, देखिएगा फिश, पिराना फिश हाँ सर देखिए। देखिए, पिरानास हॉलीवुड मूवीज में हमेशा रहती है पिरानास। ये है पिरानास, बड़े बड़े दांतों वाली। आर फाउंड इन द रिवर कॉन्डोर्स, कितने सारे एनिमल्स है कॉन्डोर्स। वल्चर टाइप दिख रहा है वो, ईगल टाइप कॉन्डोर्स भी।
condors which are huge in size and fly in the sky, various types of parrots, macaws are new thing. Come on, man. ये मॉकॉस ग्रुप पे डाला तो एक आधा बच्चा ऐड हो ही जाता है. और कौन सा है नेक्स्ट वाला? एंड फ्लैमिंगोस. फ्लैमिंगोस देखा था आई थिंक हमने. फ्लैमिंगोस कौन गाना गा रहा है उधर से? आर द मेजर बर्ड्स फाउंड हियर. Millions of insects varieties are also found here. As a result of the varieties, the wildlife of Brazil is very rich and diverse. The degradation of the environment happening due to yeah, this space is a factor. Okay, क्या है वो? Due to ड्यू के बाद स्पेस है. ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अब स्मगलिंग तो मालूम है आपको वाइल्ड एनिमल्स की क्या रहती. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वो तुमने देखा ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न. रोका डिफोरेस्टेशन पॉपुलेशन एक्सेट्रा. ब्राजील इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम डे. मेनी एंडेमिक स्पीसीज आर ड्यू टू द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ इश्यू. नाउ एंडेमिक रेगुलर फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल इन सर्टन एरिया. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में नॉर्मली फाइंड आउट होने वाले एंडेमिक स्पीसीज उसे बोला जाता है. Who is the writing? जब तक इधर से डिसेबल नहीं करता तब तक चुप बैठते ही नहीं तुम लोग. कोई ना कोई लिखते रहता है. ओके. Species are at the verge of great extinction because of this. A survey done in 2016 has found that approximately 5831 square kilometer of land under forest in Brazil had already degraded in that year. India's wildlife, showing the following animals in the outline map in figure 5.5 with the help of signs and symbols according to their habitat, answer the following questions. कितना बचा है अभी हमारा लेसन? आज हो जाएगा ना? ओके, हो जाता है आज. क्या है फिर? बंगाल टाइगर, ये तो मालूम है तुम्हारे को, हम देख लेंगे. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये देखा है क्या? नहीं देखा होगा किसी ने, आई एम श्योर. ये इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ओके, अभी और क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो हो गया. फिर ऑलिव रिडले टर्टल्स. ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको मार रहे क्या? ऑलिव रिडले टर्टल्स को बुरी बात है. लास्ट ईयर था ना तुम्हारे को अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स. फिर वन हॉर्न राइनोस, एक ही सिंगल सिंग रहता उसे, उसको वन हॉर्न बोलते. वन हॉर्न राइनोस, राइनो को एक ही हॉर्न देखा है हमने. ये नाक के ऊपर है इसके एक सिंग, उसको वन हॉर्न राइनोस बोलते. हिपोपोटामस और राइनोस में बहुत फर्क रहता है. तुमने जुबानजी में हिपोपोटामस देखा होगा. फिर नेक्स्ट वाला नीलगिरी थार गोट.
ये भी दिखाना पड़ेगा, नीलगिरी थार गोट, नीलगिरी थार गोट। नेक्स्ट वन इज लायन, दिखाऊंगा लायन तो मालूम है, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन, उसका स्नाउट देखो कैसे रहता है। स्नाउट बोले तो ये मुंह के सामने का पार्ट, ये जो दिख रहा है ना लंबा, उसको स्नाउट बोलते हैं। जब रिवीजन होगा तब रिकलेक्ट करने की कोशिश करना ये सब चीजें। स्वैम्प डियर, डियर तो मालूम है अभी आपको कैसे रहती, स्वैम्प डियर्स, डियर तो बहुत लोगों ने देखे भाई। स्वैम्प डियर्स, देन नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल्स, अब ये तो मालूम है, और घरियाल्स। सी ये अलग अलग रहते घरियाल्स और क्रोकोडाइल्स। घरियाल्स दिखा देता हूँ मैं आपको, दिस आर घरियाल्स, कहाँ दिख रहे, इधर तो इंसान दिख रहे, आदमी दिख रहे, ये घरियाल, उनका स्नाउट बड़ा रहता घरियाल्स का। हाँ, और जो क्रोकोडाइल्स रहते ना उनका स्नाउट छोटा रहता है। अभी मैं दिखा डालता हूँ क्रोकोडाइल्स भी आपको, क्रोकोडाइल्स देखो, क्रोकोडाइल्स को स्नाउट छोटा रहता है क्रोकोडाइल, पर दोनों के सामने इंसान गया तो खा ही लेंगे वो। अभी क्वेश्चन आंसर, कोरिलेटेड ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड फ्लोरा एंड फौना, इंडिया का फ्लोरा एंड फौना और ब्राजील का फ्लोरा एंड फौना, ये आपको कोरिलेट करना है। ये लिख डालो आपके घर पे टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में आप बना रहे हो जिसमें। डू यू नो सम अदर एनिमल्स टू, आपके ज्योग्राफी के मैप बुक में शायद क्वेश्चन आंसर दिए हैं ना ये वाले। यस सर, मैप बुक में लिखना पड़ेगा फिर आपको, मैप बुक में लिखो इसका। और मैंने कल शायद कुछ लोगों ने बोला था मुझे, आई एम स्टार्टिंग अगेन। डू यू नो सम अदर एनिमल्स टू, सामने गोट है मेरे, गोट है और क्या क्या रहते हैं, एनिमल्स बर्ड्स वगैरह बहुत सारे पता है आप लोगों को, वो भी लिख सकते हैं। शो द हैबिटेट ऑफ टाइगर इन इंडिया ऑन द मैप, टाइगर कहाँ कहाँ मिलते हैं वो मैप में पॉइंट आउट करने का। वाई इज देयर हैबिटेट फाउंड इन दिस रीजन, ऐसे हैबिटेट क्यों मिलते हैं। अब ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इन इंडिया इज ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब मेगा डाइवर्स बोले तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इंडिया मिलते हैं। देर आर मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस अभी देखा आपने, आर फाउंड इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड, मार्शी बोले तो वेट लैंड, जिस बारिश का जमीन गिल्ली हो जाते हैं कीचड़ टाइप, उसको मार्शी बोलते हैं। लैंड्स ऑफ आसाम, वाइल्ड एस एंड कैमल्स, ना वाइल्ड एस का फोटो देख लेंगे हम, ये भी जानवर है डोंकी टाइप, दिख रहा है वाइल्ड एस। एंड कैमल्स आर फाउंड इन एराइड लैंड्स, स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स, याक्स का फोटो नहीं देखा है हमने, लेपर्ड तो पता है हम लोगों को, लेपर्ड हमने देखा है। इंडिया में याक्स भी मिलते हैं, स्नोई रीजन में ज्यादा मिलते हैं याक्स। बिल्कुल
दिस आर याक्स ऑफ इंडिया. Are found in the snow-capped regions of Himalaya. Indian bison, bison एक buffalo type रहता है ना? ये bison, yeah, mice, इसे बोलते हैं वैसे type का buffalo type रहता है. और ये क्या आया? फिर से देखेंगे हम इंडियन बेसन. फिर आपने अपने मोबाइल से टिकटॉक ऐप डिलीट करे थे आपने? डियर एंटीलोप्स, ये डियर के जैसे रहते हैं एंटीलोप्स. ये दिख रहा है एंटीलोप्स बाजू में स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तुम्हें एंटीलोप्स. एंड मंकी आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन. पेनिनसुलर रीजन आपको पता है, ये पेनिनसुलर रीजन. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायर्स आर फाउंड. रिवर एस्चुरीज, रिवर एस्चुरीज, एस्चुरीज अलग है. इमेजेस देखेंगे एस्चुरीज के, बहुत बार देख चुका है हमने एस्चुरीज. आप इसे, आपको शायद इमेज भी छप गए होंगे दिमाग में, इसलिए मैं इतने सारे इमेज बताते रहता हूँ आपको. एस्चुरीज आर कोस्टल एरियाज आर होम ऑफ मेनी टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड वियाल्स यानी घरियाल्स. द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स लाइक पीकॉक्स, इंडियन बस्टर्ड, किंग फिशर. इंडियन बस्टर्ड अभी देखा था ना हमने, इंडियन बस्टर्ड. हाँ देखा है हमने इंडियन बस्टर्ड, जन उसको देखने की जरूरत नहीं फिर से. किंग फिशर, किंग फिशर एक बर्ड रहती है ना, वो देखा नहीं है हमने. आशीष ने नाम रीनेम कर दिया सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन आशीष. किंग फिशर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. और क्या है? पीजेंट्स. अभी पीजेंट्स क्या रहते? पीजेंट तो मजदूर लोग रहते हाँ ना, पीजेंट्स बोले तो ये आएंगे वर्कर लोग. ये पीजेंट्स ये रहते नहीं, पीजेंट लोगों के एनिमल्स बोल रहा हूँ, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, डक्स, पैराकीट्स, पैराक्रीट्स. लव वर्ड्स इसे ही बोलते लगता है आई थिंक. क्रेन्स एंड पिजन्स. क्रेन्स मालूम है अभी तुम्हें लोगों को, कार्टून में बहुत बार देख चुके हो क्रेन्स.
जो दीवार में झाड़ियों में छेद करते हैं। इधर क्रेन्स का क्या दिया है, ये क्रेन्स बोले तो ये आ गया एनिमल्स, ये क्रेन्स। And pigeons, all these species make it land and uniqueful habitat of the wildlife. Many species of wildlife are on very verge of extinction from India because of poaching. What is the meaning of poaching? Poaching means smuggling hota hai kuch sab. Without its shell, matlab boiling. Direct boil tha. इधर तो बॉयल नहीं करा है, कुक एंड शिमरिंग इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। पोचिंग हैज बीन डिफाइंड एज इलीगल हंटिंग। उधर लिख डालो पोचिंग के ऊपर आप इलीगल हंटिंग लिख रहे हैं ना। लिखे है क्या? पोल्यूशन एंड रैपिडली ऑकरिंग डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्पल चीतास। The government of India has set up number of national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, and biosphere reserve for the protection of wildlife and forest in India. Pratik hai kya idhar Lokhande? ये तो हो गया। टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, सिचुएशन इज सिमिलर टू एलिफेंट्स, फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट सच प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाइंड अबाउट देयर हैबिटेट्स, व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व दिस एनिमल, इन विच रीजन कैन दिस बी डन, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल प्लेसेस। ओके ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये उधर उसमें मैंने आंसर्स दिए है ना आपको, लिंक दिए उसमें आंसर्स देख लेना। ये odd man out, match the column, answer in short, उसमें होगा give geographical reason, नहीं इसमें से कोई answer समझाने लायक नहीं है। okay, तो अभी हम कल मिलेंगे, चलेगा क्या?